अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर आज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत मज़े की होगी क्योंकि आज ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं जिसके ज़रिए आप टाइप किए बगैर मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। मीन आप बोलेंगे, मैसेज खुद ही टाइप हो जाएगा और आप सेंड कर देंगे। एक और मज़े की चीज़ कि आप उर्दू में बोलेंगे और इंग्लिश में टाइप होगा और इंग्लिश के में ही मैसेज जो है वो सेंड होगा। तो इसके लिए एक तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चाहिए होता है, नेट पैकेज। आपके मोबाइल पे नेट पैकेज होगा तो ये एप्लीकेशन काम करेगी। एप्लीकेशन का नाम है इजी उर्दू कीबोर्ड। ये कहाँ से हमने डाउनलोड इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मोबाइल में डाटा कनेक्शन ऑन करें। डाटा कनेक्शन ऑन करने के बाद प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर में प्ले स्टोर जब ओपन हो जाए तो इसमें सर्च करें इजी उर्दू कीबोर्ड। आपको इंस्टॉल की ऑप्शन नज़र आएगी, इस पर क्लिक कर दें। छोटी सी एप्लीकेशन है, थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। 33 MB की है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉल हो रही है। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग है, वो सेटिंग करेंगे और इसको जो है वो यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो गई, चलते हैं मोबाइल में। इस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से हमने इसकी सेटिंग करनी है। इसको इनेबल करते हैं इजी उर्दू को। यहाँ से यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटी इनपुट, इसको भी ऑन कर दें। इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसके अंदर अगर आप कुछ गूगल वॉइस टाइपिंग इसके ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर चेक कर लें कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखें कि पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और उसकी उर्दू जो है वो डिफ़ॉल्ट प्राइमरी जो है इंग्लिश है और इसके साथ उसकी जो लैंग्वेज है उर्दू वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद इसको बैक कर दें। इजी उर्दू कीबोर्ड इसको जो है वो ऑन कर लेना है हमने। ओके, इसको ओके कर दें। अगर आप इसका थीम वगैरह सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसका थीम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको थीम दिखा देता हूं। जी बोर्ड के ऊपर क्लिक करें, यहां पे आपको थीम की ऑप्शन मिलेगी। थीम की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, यहां से देख लें कौन सी थीम जो है वो आप लगाना चाह रहे हैं। मैं कोई भी थीम नहीं चेंज करने वाला, जो पहले से है वही रहने देते हैं। हाँ जी, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने जहाँ पर हमने मैसेज जो है वो टाइप करना होता है वहाँ पर जाते हैं। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करें। मैं इसको एक दफ़ा जो है वो कर देता हूँ इग्नोर दिस टाइम। यहाँ पे आपको नीचे एक माइक जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ से इसको करता हूँ एक दफ़ा रेज। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं जनाब। उसने उर्दू में इसको टाइप कर दिया, मतलब जितना मैंने बोला उतना सारा का सारा उसने टाइप कर दिया क्योंकि वो ऑन था। अब ये चूँकि अभी जो है हम बोल रहे हैं तो इसको उर्दू में ही लिख रहा है, हम चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। कहाँ से करना है इंग्लिश में वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। थोड़ी सी सेटिंग हमने चेंज कर दी है, दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। जब हम दोबारा टाइप करने लगेंगे तो इस तरह का कीबोर्ड हमें नज़र आएगा। यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक बटन नज़र आ रहा है इजी उर्दू का, अगर जो ऑन होगा तो जैसे हम बोलेंगे वैसे ही लिखा जाएगा। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हम जो बोलेंगे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखेगा। जैसे यहाँ पर मैं माइक के ऊपर क्लिक करके बोलता हूँ, कैसे हैं आप, उसने लिख दिया हवर जो, आप कहाँ जा रहे हैं, उसने उसको इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करके लिख दिया वी आर रेडी गोइंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।